भैया बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और आनंद से होंगे। कक्षा चतुर्थ विषय संस्कृत, आपको हमने नौ पाठों का काम करा दिया है और नवा पाठ परीक्षा में नहीं आएगा। विमान या नचया वो किसी परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए उसको पढ़ना भी नहीं है। और ये जो परीक्षा आपकी 19 तारीख से होने वाली है, इसमें आपका पाठ्यक्रम है पाठ 4, 5, 6। तो हम आपको अभ्यास कार्य दे भी चुके हैं पेपर संबंधित, और भी आज भी हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुने और याद करें। मेरे प्रश्न लिखा हुआ है, संस्कृत वाक्यों की हिंदी लिखिए। तो ऐसा आपको परीक्षा में भी लिखना होगा, उन वाक्य दिए होंगे उनकी आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। सा मंदिरं गच्छति, अब सा स्त्रीलिंग है तो वह अर्थ तो वह ही है और मंदिर जाती है। सा पूजनार्थं मंदिरं गच्छति, वह पूजा के लिए मंदिर जाती है। भक्ता नदीं गच्छन्ति, भक्त नदी में जाते हैं। गच्छन्ति लगाए बहुवचन और भक्ता भी बहुवचन है। महिला भिक्षुकाय भिक्षां ददाति, महिला भिक्षुका माने भिखारी के लिए भिक्षा देती है। वृक्षा परोपकाराय फलति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। रमेशः मनोजस्य मित्रम्, रमेश मनोज का मित्र है। वृक्षा फलति, वृक्ष फल देता है। महिला आपणे अस्ति, महिला आपणे माने बाजार, अस्ति माने है, महिला बाजार में है। छात्रा शिक्षिकायै पुस्तकं ददाति, छात्र शिक्षिका के लिए पुस्तक देता है। अब नीचे संस्कृत शब्दों को अर्थ से मिलाना है। शब्द लिखे हुए हैं, इसको आप कॉपी पे लिखें और मिलाएं, फिर पुस्तक से भी मिलाकर के देख लें कि आपने सही किया है नहीं किया। इसी प्रकार और पाठों में आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं तो बड़े वो भी याद करने हैं। विलोम शब्द दिए हैं उनको भी याद करना है, और आपको बहुवचन शब्द बनाने हैं वो भी आपको याद करने हैं, और चतुर्थी विभक्ति के लिए रूप लिखे 4, 5, 6 पाठ में वो भी आपको याद करना है। यही सारा सब कुछ परीक्षा में आना है, सुंदर सुंदर लिखना है और अपना नाम अवश्य लिखना है। ये हमने प्रश्न पत्र में लिख दिया था, ठीक है। धन्यवाद।